वीडियो चाहिए इसका रिलेटेड, तो मैं वीडियो बना दूंगा, हम लोग कर देगा डिलीवरी, ठीक है। सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। अभी जो आप देख रहे हैं इस फिश का नाम है वैम्पायर फिश, ओके। काफ़ी बड़ा साइज का है ये, एंड ये थोड़ा डार्क बैकग्राउंड में रहना पसंद करता है, ओके। एंड बहुत मुश्किल है इस फिश को मतलब रखना। एंड इसके साथ एक और फिश है, उसका वीडियो मैं बाद में किसी दिन बनाऊंगा। एंड गाइस, मैंने इस फिश के ऊपर एक वीडियो बनाया था, मतलब एक टॉपिक के ऊपर बनाया था, लाइक कौन सा फिशेस इंडियन के क्लाइमेट के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये भी उस फिश में था। मतलब बहुत कम हॉबीस्ट ये फिश को सक्सेसफुली रखा है अपने टैंक में, ठीक है, क्योंकि इसका मेन जो प्रॉब्लम है इसका फीडिंग बहुत मुश्किल है गाइस। मतलब इसको नॉर्मल डाइट में लाना मतलब बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। ये ऐसा फिश है सिर्फ लाइव फिश खाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाइव फिश और कुछ नहीं खाता ये, क्योंकि इसका नेचर ही वैसा है। बट मैंने इसको बहुत मुश्किल से ट्रेन किया है, इसका फीडिंग वीडियो में लोगों को देखा होगा, अभी मेरा पास है, ये सब कुछ खाता है, ओके। ये फिश फिलेट खाता है, ये श्रिम्प खाता है, डेड फिश भी खाता है, कभी कभार ये चिकन लिवर हार्ट ये सब भी खा लेता है, एंड लाइव फीडिंग बहुत कम देता हूँ मैं गाइस, ठीक है। तो इसको रखने के लिए मतलब जो मतलब मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ है, अभी इसका फुल वीडियो मैं आज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हार्डली अभी इसका कितना एक फीट साइज होगा, अभी इसका मैक्सिमम साइज अटेंड नहीं हुआ है, इसको मैं बाद में पॉन्ड में भी ट्रांसफ़र करूँगा। तो आप अगर रखते हैं इस टाइप के फिश को, आप देख सकते हैं टैंक सेटअप, पानी मैं कल वाटर चेंज किया था, थोड़ा डालना भूल गया था, पानी आप रख सकते हो जितना आपका मन, बट इसका जो टैंक सेटअप ना थोड़ा मतलब डार्क रखिएगा गैस, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाल पीला वाला एकदम लाइट पूरा भर दिए, नीचे एकदम कलरिंग स्टोन डाल दिए है, ड्रिप टूट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा डार्क मतलब सेंटर में लाइट इसका रहेगा अच्छा से, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड ये पूरा एकदम हैंड टेम है गैस, अभी मतलब अभी रात का टाइम है, मतलब लाइट वगैरह सब ऑफ कर दिया था, तो मूड हुआ वीडियो बनाने का, तो इसीलिए मैं अभी रूम का लाइट ऑन नहीं करूँगा, अभी मोबाइल से मैं फ्लैश जला के शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिश को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। ऐसे तो ये बहुत फ्रेंडली है, ये मतलब हैंड से पूरा फीडिंग भी लेने का आता है, ठीक है, देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया है इसका, दांत भी एकदम बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। एंड ये अभी बच्चा है गाइस, ठीक है, अभी फुल बड़ा ये हुआ नहीं है, और भी इसको टाइम लगेगा बढ़ने में। एंड विंटर में गाइस इसको हीटर चाहिए, हीटर आप ज़रूर दीजिएगा, अगर आप ठंडा में ये फिश बाय करते हैं, आपका वहाँ बहुत ठंड रहता है, तो हीटर मस्ट है। एंड फीडिंग मैंने आपको बोला, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस अगर नहीं रखोगे तो नहीं होगा। एंड टैंक मेट्स बताता हूँ, आप इसके साथ गोल्डन डोराडो रख सकते हैं, कुछ कैटफिश का वैरायटी रख सकते हैं, फिर आप इसके साथ गार वगैरह भी रख सकते हो, पाइक आता है, स्टिंगरे रख सकते हो, एरावाना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बाइट कर सकता है एरावाना को, ये बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ टैंक मेट्स है, फिलहाल मैं तो नहीं रखा हूँ, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, और भी बहुत सारा टैंक मेट्स है इसका। तो बस यही था मतलब आज का एक छोटा सा अपडेट। बहुत लोग मैसेज कर रहा था कि भाई वैम्पायर हम लोग रख सकते हैं, मेरा यहाँ पर वैम्पायर मिल रहा है इतना हज़ार में, क्या मैं बाय करूँ? तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, एंड थोड़ा मुश्किल है इसको केयर करना, मैंने आपको टिप्स बता दिया। एंड आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, थोड़ा डिले हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। एंड मेरे यहाँ देखिए गाइस, जो भी मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ उसका बेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखा, कोई एक हॉबीस्ट है बाहर का, तो
तो उसने बहुत साल पहले एक बहुत साल नहीं, एक साल पहले एक मॉन्स्टर टैंक बनाया था। उसमें मतलब बहुत कुछ फिश डाल दिया था, फ्लुइडा का, रेड टेल, स्टर्जन वगैरह, पाकू, ये सब। तो बहुत लोग कमेंट भी किया था कि वो सब फिशेस एक साथ नहीं रहेगा। एंड सच में गाइस नहीं रहता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो अभी पता नहीं उसका मतलब आधा टैंक पूरा खाली है, शायद मर गया होगा या दे दिया होगा, आई डोंट नो। तो यही माइस मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, किसी का भी वीडियो देख के आप कॉपी मत कीजिए कि वो रख रहा है तो मैं भी रख लूँगा, ऐसा नहीं है गाइस। सारा मॉन्स्टर फिश एक साथ नहीं रहता है, स्पेशली अगर बात करूँ पाकू, रेड टेल, कैटफिश, इनके लिए पॉन्ड ही बेस्ट है। आप टैंक में कभी नहीं रख पाओगे, टैंक में पाकू एकदम ग्लास तोड़ देगा, बहुत स्ट्रांग रहता है वो लोग, ठीक है। तो इसलिए गाइस मेरा केयर वीडियो ये सब थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी लोगों से, क्योंकि मैं अपना रियल जो एक्सपीरियंस रहता है मैं उसी को बेस्ट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। एंड गाइस किसी को फ्लोइड अगर चाहिए तो अभी भी शायद 2-3 पीस हम लोग के पास है, वापस रिस्टॉक हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो किसी को भी अगर चाहिए तो कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग का शॉप में, अगर डिलीवरी पॉसिबल होगा तो हम लोग कर देगा डिलीवरी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा डार्क बना था इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, अभी मैं रूम का लाइट जलाया तो फिश थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसीलिए मैं अभी लाइट जलाया नहीं था। एंड गाइस ये एक मेरा मतलब मेरा भागना का ही फ्लावर ऑन है, वो रखता है इसको। इसका भी सेटअप सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं है, स्पॉन्ज फिल्टर, हम लोग पानी चेंज करते हैं वीकली 2 बार, हीटर अभी भी लगा के रखा हूँ मैं, एंड पूरा एक्टिव है। इसका भी अगर आपको केयर वीडियो चाहिए इसका रिलेटेड तो मैं वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं। तो क्योंकि मतलब हाइब्रिड फिश रहता है एंड लाइफ स्पैन थोड़ा कम रहता है, बहुत डिजीज़ पकड़ता है जल्दी, तो इसलिए मैं फ्लावर ऑन खुद रखा हूँ, एक शॉप में है मेरे पास, एंड ये घर पे रहता है मेरा, भागना का है ये, कि बहुत ही क्यूट सा है एंड पूरा एक्टिव है। अभी लाइट जलाया इसलिए थोड़ा डल हो गया, अभी कलर भी इसका सॉलिड है। सो ये था गाइस आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।